वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट. हमें लास्ट क्लासेस में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस के टॉपिक को अच्छे समझ लिया था. अब तो उसका फॉर्मूला क्या था और चीजें क्या हैं, ऑलरेडी बातें बहुत आगे निकल चुकी हैं. अब आपको लास्ट क्लासेस, लास्ट टू क्लासेस आपको अच्छे से देखना है, समझना है, तब आप आगे काम कर पाएंगे. आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई. ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स एक्स का गिवन है, वाई गिवन है, अर्थमेटिक मीन गिवन है एक्स का और वाई का, समीशन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन भी आपको गिवन है. और आपको निकालना क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, समीशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर द 122 रिस्पेक्टिवली अर्थमेटिक मीन्स. ये देखिए, ये आपके एग्जाम्स में बीकॉम में आया हुआ है 1989 में, 2005 से 2006 में, तो पुराने क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं पुराने क्वेश्चन को देख करके. चलिए बच्चे, तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला आप लिखेंगे तो क्या होगा आपके पास में, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. अब कोवेरियंस ऑफ एक्स और वाई का फॉर्मूला क्या बताया आपको, कोवेरियंस ऑफ एक्स और वाई का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा x इंटू वाई अपॉन एन, सिग्मा x इंटू वाई अपॉन एन. तो यहां पर आप देखेंगे कि सिग्मा x और y क्या होता है, सिग्मा x और y क्या होता है, स्मॉल x का मतलब होता है x सीरीज और x का मीन का जो डिफरेंस है, मतलब डेविएशन ऑफ x सीरीज. x का क्या मतलब होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए 5 10 15 है ये डाटा है x, स्मॉल एक्स इसका मीन क्या निकला, 10 इसका मीन निकला, मीन क्या निकला इसका 10, तो स्मॉल एक्स क्या होगा, एक्स में से इसका मीन माइनस कर दोगे आप, तो इसको हम डेविएशन फ्रॉम एक्स सीरीज बोलेंगे, डेविएशन फ्रॉम एक्स सीरीज. तो क्या होगा, माइनस का 5 0 एंड 5, तो बेसिकली एक्स सीरीज में से उसके मीन को सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आएगा डेविएशन ऑफ एक्स, इसको कहते हैं हम, इसको स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. तो आगे आपके पास में इंफॉर्मेशन है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, वो एक अलग बात है, समीशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज. तो डेविएशन ऑफ एक्स दिस वन एंड डेविएशन ऑफ वाई दिस वन, वाई सीरीज में से वाई का मीन माइनस कर दिया, तो डेविएशन ऑफ एक्स डेविएशन ऑफ वाई इसका प्रोडक्ट, समीशन ऑफ द प्रोडक्ट दिस वन, तो क्या हो गया, सिग्मा एक्स वाई आपको गिवन है, तो दिस वन सिग्मा एक्स वाई क्या गिवन है आपके पास में, सिग्मा एक्स वाई मैं लिख देता हूं फिर भी, सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू आपके पास में 122 गिवन है, क्लियर है, और एन इक्वल्स टू तो आपके पास में 15 है, तो यहां पर आपके पास में क्या आएगा, 122 अपॉन 15, रिजल्ट निकालेंगे अगर आप, 122 डिवाइडेड बाय 15 तो 8.133, क्लियर है बच्चे, ये समझ गए, तो ये आपके पास में 8.133 आपके पास में ये क्या है, ये आपके पास में कोवेरियंस है. अब आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या होता है बेसिकली, ये आपके पास में वेरियंस का रूट होता है, वेरिएंस का रूट होता है. अब वेरिएंस क्या होता है आपका, वेरिएंस ऑफ एक्स का रूट. अब वेरिएंस क्या होगा आपका, तो वेरिएंस के लिए आपको सबसे पहले एक स्मॉल एक्स चाहिए, उसका आप स्क्वायर जो डेविएशन है उसका स्क्वायर कर दें, उसको डिवाइडेड बाय आप एन कर दें, दिस वन ये होगा. और आपके पास में क्या गिवन है, अर्थमेटिक मीन आपके पास में है और सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, मतलब कि एक्स सीरीज आपके पास में जो है बच्चे, दिस वन ये एक एक्स सीरीज में कि भैया जो एक्स सीरीज का मीन और एक्स सीरीज के बीच जो डिफरेंस है उसके स्क्वायर का सम क्या है, दिस वन, तो आप यहां से निकाल सकते हैं डेविएशन ऑफ एक्स, तो ये क्या है स्मॉल एक्स, तो डेविएशन ऑफ एक्स क्या होगा, स्मॉल एक्स उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, तो आपके पास में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या है 136, तो ये क्या गिवन है बेसिकली आपके पास में समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूं समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आपके पास में 136, तो 136 डिवाइडेड बाय
एन, एन क्या आपके पास है 15, तो सॉल्व करते हैं 136 डिवाइडेड बाय 15 रूट 3.01, 3.0110। क्लियर है बच्चे, समझ गए? तो यहां पर आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ गया। एक बार ऊपर बात कर लेंगे, नीचे बात कर लेंगे, या तो ऑनलाइन क्लास होती है इसमें। तो बच्चा है 8वीं क्लास का, ऊपर बात कर लीजिए, ऊपर। डन बच्चे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्या हो गया हमारे पास में, एक्स हो गया। हाँ जी, अब आप देखेंगे आपके पास में क्या है, इसी तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालेंगे आप। तो कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ वाई। अब वेरिएंस ऑफ वाई की अगर मैं बात करूं तो वेरिएंस ऑफ वाई कैसे होगा, सिग्मा वाई स्मॉल वाई स्क्वायर अपॉन में एन, और ये रिजल्ट क्या आएगा, सिग्मा वाई स्क्वायर दिस वन, जो लिखा हुआ है ना, द सम है द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के साथ में जो डिफरेंसेस आ रहा है उसका स्क्वायर का सम है। तो ये क्या है मेरे पास में, वाई सीरीज का 138 अपॉन 15। तो सॉल्व करते हैं हम, 138 डिवाइडेड बाय 15, 9.2 अंडर रूट 3.033 दिस वन। अब आप अपने फॉर्मूले में चीजों को अप्लाई कर दें, मैं थोड़ा सा स्पेस कम लूंगा, मेरे पास स्पेस बचा नहीं है, तो अब देखेंगे कि क्या आएगा। आपके पास है कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई आ गया आपके पास में 8.133, और उसी तरीके से आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आपके पास में एक्स क्या है आपके पास में 3.01 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई क्या है आपके पास में 3.03। तो रिजल्ट क्या रहा आपका, 8.133 3.01 इंटू 3.03। डिवाइडेड बाय 9.1203 0.89 दिस वन। क्लियर है, सबसे आखिरी स्टेप होगा बच्चे आपका, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसे मिक्स मत कीजिएगा। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं यहां पर देखिए चीजें आसान है, बट बच्चा पिक नहीं कर पाता कि ये जो दिया हुआ ये है क्या चीज। तो इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं ताकि आप इसको पिक कर लो, पेपर में आया हुआ सवाल है, कोई ऐसा सवाल नहीं है कि आपका जो है आउट ऑफ द बॉक्स हो, सब आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही चल रहे हैं। आप 10 ईयर की बात कर रहे हैं, मैं 20 ईयर पढ़ा रहा हूं आपको, 30 ईयर पढ़ा रहा हूं। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखेंगे। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग रिजल्ट्स। एन गिवन है, सिग्मा स्मॉल एक्स, स्मॉल एक्स आपके पास में है, ध्यान रखिएगा, एंड स्मॉल वाई 150, एंड आपके पास में एक्स माइनस 10 का स्क्वायर, और आपके पास में इक्वल्स टू 180, एंड सिग्मा वाई माइनस 15 का स्क्वायर 215, एंड सिग्मा एक्स माइनस 10 एंड वाई माइनस 15 इक्वल्स टू 60। चलिए करें जरा इसको कैलकुलेट। करो बच्चों,
हाँ जी बच्चे देखिएगा, देखो क्या पूछ रहे हैं आपसे, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब कि आपके पास में आर की वैल्यू, आर इक्वल्स टू कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। दिस वन मेरे पास में एक इंफॉर्मेशन गिवन है, सबसे पहले मेरे पास में क्या गिवन है जरा देखते हैं, एन सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स आपके पास में, सिग्मा वाई आपके पास में, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, वाई आपके पास में है, और आपके पास में एक्स माइनस दिस वन दिस वन। तो आपके पास में एक तो एन गिवन है और एक आपके पास में सिग्मा एक्स गिवन है, सिग्मा वाई गिवन है, स्मॉल है कैपिटल है, ये चीजें देखनी पड़ेंगी। अब आपकी ये कैपिटल एक्स होगा और एक कैपिटल वाई होगा, मैं देख लेता हूं एक बार। हाँ जी बच्चे, इसमें बस एक गलती है, क्या देख लीजिए मैं ठीक कर देता हूं उसको। कैपिटल एक्स की बात कर रहे हैं, कैपिटल वाई की बात कर रहा है ये बच्चे, सब कैपिटल एक्स है और कैपिटल वाई है, तभी आपसे भी शायद नहीं हो रहा होगा। अब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का मतलब तो आप समझते हैं क्या है, कि बेसिकली सीरीज का डेटा होता है ये। देखिएगा तो एक बात समझिएगा, समीशन ऑफ एक्स आपके पास में क्या है, 100 है, मतलब कि एक एक्स सीरीज है उसको पूरा सम करा तो 100 निकला, और एन इक्वल्स टू 10 है, तो इसका मतलब है कि आपके पास में मीन क्या होगा। तो एक्स सीरीज का सम, मैं मीन एक्स की बात कर रहा हूं, तो एक्स सीरीज का सम और उसके नंबर से डिवाइड कर दोगे तो उसका मीन आ जाएगा 10, तो ये मीन आ गया एक्स बार एक्स का। उसी तरीके से मेरे पास में वाई सीरीज का सम है, दूसरी सीरीज का, वो सम 150 है, और एन इक्वल्स टू क्या है, एन इक्वल्स टू 10 है। तो यहां पर मेरे पास में जो मीन है वो वाई सीरीज का वो क्या होगा, 150/10, तो मेरे पास में 15 आ गया। तो क्या मतलब है कि एक तो मीन किसका, एक्स का, और एक मीन किसका, वाई का। ये मेरे पास दो चीजें निकल के आ गई हैं, एक क्या 10 है और एक क्या 15 है, ठीक है। और आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है समीशन ऑफ एक्स माइनस 10 का स्क्वायर बेसिकली इक्वल्स टू 180। समझिए इसका मतलब क्या हुआ, समीशन एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर। अब x क्या है आपके पास में, x तो ये रहा, और माइनस 10, 10 क्या है आपके पास में, x बार दिस वन, क्लियर है बच्चे। और इसका स्क्वायर इक्वल्स टू, क्योंकि 10 की वैल्यू की 10 की जगह रख सकते हो ना आप, मीन है x का, तो 10 की जगह पे मीन x का इक्वल्स टू 180 दिया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि x डेटा है, उस x डेटा में से उसका मीन सबट्रैक्ट करा और फिर उसका स्क्वायर करा, फिर उसका सम आया। तो बेसिकली क्या है, समीशन ऑफ एक्स में से अगर एक्स सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक्स में से अगर उसका मीन सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो स्मॉल एक्स होता है वो कॉलम, उसका स्क्वायर आया, तो क्या है 180। तो आपके पास में ये चीजें, ये तो चीज समझने वाली बात है बच्चे, दिस वन आपको ये गिवन है ये। उसी तरीके से आप समझिए जरा इस चीज को, कि आपके पास में क्या है, समीशन वाई माइनस 15 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 215। तो आप इस बात को समझिएगा, समीशन ऑफ वाई, वाई तो ठीक है, और ये क्या है, ये आपके पास में मीन है, क्या ये मीन ऑफ वाई है, ये क्या है आपके पास में, मीन ऑफ वाई है स्क्वायर 215। अब आपको पता है कि वाई में से उसका मीन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो स्मॉल वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 215 दिस वन, ये आपके पास में आ गया, क्लियर है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे एक चीज और आपके पास में गिवन है, समीशन एक्स माइनस 10
वाई माइनस 15 इक्वल्स टू 60। तो समीशन एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स वाई माइनस मीन ऑफ वाई इक्वल्स टू 60। समीशन आपके पास में ये मीन में से एक्स में से उसका मीन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई इक्वल्स टू 60। अब आइए अपने सवाल पर लौट करके, लौटते हैं सवाल पे। कोरिलेशन दिस वन, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कैसे आता है? सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या होता है आपके पास में? अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या होता है? रूट ऑफ वेरियंस, दिख रहा है आपको? हाँ, रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स। वेरियंस ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय एन इनटू वेरियंस ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन में एन, दिस वन। अब आप देखेंगे यहां पर सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई क्या आपके पास में? 60 अपॉन एन, एन क्या हमारे पास में? 10। अब अंडर रूट आपके पास में एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होगा? यहां पे कर लेता हूं मैं, 60 अपॉन 10 अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, जो कि क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स। अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स क्या होता है हमारे पास में? वेरियंस ऑफ एक्स। तो मतलब एक्स का आपके पास में स्मॉल एक्स, एक्स और उसके मीन का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, वेरियंस ऑफ एक्स होगा। तो एक्स स्क्वायर मेरे पास में है क्या? स्मॉल एक्स स्क्वायर मैंने कहीं निकाला है क्या? ये निकाला है मैंने पर 180 अपॉन 10 स्मॉल वाई स्क्वायर 215 अपॉन 10। सॉल्व करेंगे तो ये आपके 100 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास में? 60 अपॉन, ये सॉल्व करने के बाद आपके पास में अंडर रूट 180 इंटू 215, दिस वन। सॉल्व करेंगे अगर आप 60 180 मल्टीप्लाई बाय 215 रूट, तो 60 अपॉन 196.72, ठीक है, 60 अपॉन 196.72 0.3050, ये आपका आंसर है। क्लियर है बच्चे? ना, वेरी गुड धीरज मिश्रा, बहुत बढ़िया, शानदार। तो कहीं ना कहीं कंक्लूड फॉर्मूला, मैं इसको एक फॉर्मूला और भी कंक्लूड करके लिख रहा हूं आज आपके सामने, आर इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर इंटू रूट वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी होता है, एक सेम फॉर्मूला है। वो क्या होता है बच्चे, आप देखिएगा फॉर्मूला कहां पे अप्लाई करा था हमने, एन अपॉन में एन, तो ये एन इंटू एन एन स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट के बाहर निकल जाएगा, तो एन से एन कट जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास में सिग्मा एक्स वाई। तो ये फॉर्मूला भी आपको कई बार देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर है? उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चन हम आपको नहीं फंसा सकते हैं। कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहां पर भी आप इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चे, क्या आपके पास में कैपिटल एक्स कैपिटल वाई वाई एक्स और वाई। अब तो आपके पास में एक्सपीरियंस है, पेपर में एक्सपीरियंस जाता है आपका, एन इक्वल टू 10 एक्स आपके पास में, तो आपके पास में एक्स बार क्या आ गया? मीन ऑफ एक्स क्या है आपके पास में? 140 डिवाइडेड बाय 10 एक्स सीरीज का सम और एन, तो 40। क्लियर है बच्चे? और उसी तरीके से आपके पास में मीन ऑफ वाई का क्या आएगा? वाई का सम अपॉन 10 15। क्लियर है बच्चे? और अब आप देखेंगे वाई माइनस में वाई और एक्स माइनस में इसका स्क्वायर। चलिए सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, वही सवाल है क्या हमारे पास में? चलिए जरा इस क्वेश्चन को एक अलग, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है उससे, इसको करेंगे आप।
फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको, छोटी क्लास हो पाई आज, नेक्स्ट क्लासेस में इसको हम एक नए मेथड लेकर के आएंगे इसमें, और लगभग लगभग दो तीन क्लासेस मान के चलिए और कोरिलेशन के टॉपिक को हम फिनिश कर देंगे और रैंक कोरिलेशन पे आ जाएंगे फिर हम, और रैंक कोरिलेशन के बाद फिर रिग्रेशन पे आ जाएंगे। तो चार से पांच क्लासेस में खत्म कर देंगे, 10 तारीख तक पूरी कोशिश है, 10 अक्टूबर तक मैं आपका कोरिलेशन यूनिट पूरा खत्म कर दूं। तो तीन यूनिट खत्म हो जाएंगे और बाकी अगले 20 दिन के अंदर मैं एक यूनिट और खत्म करूंगा टाइम सीरीज का, अक्टूबर में खत्म। नवंबर के अंदर एक ही यूनिट में, प्रोबेबिलिटी छोटा यूनिट है, उसको कंटिन्यू करूंगा, पेपर आपका जो दिसंबर में। तो हमारा सिलेबस ठीक स्पीड से चल रहा है, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मैं फोकस करके चल रहा हूं। अब 10 ईयर मार्केट में अवेलेबल है शिवदास का, 10 ईयर जो जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, प्रैक्टिस करनी है अगर आपको तो शिवदास से 10 ईयर तक प्रैक्टिस करें। हाँ जी बच्चे, तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में ऑलमोस्ट आपका मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी पूरे आपका कंप्लीट हो गया है, आपका इंडेक्स नंबर कंप्लीट हो गया है, कोरिलेशंस के अब हम एंड पर आ चुके हैं, और अगले नेक्स्ट कुछ 15-20 दिनों में हम एक और यूनिट कवर कर लेंगे। तो आप प्रैक्टिस के लिए क्या करें, तो प्रैक्टिस के लिए आप कहां से करें और कितनी प्रैक्टिस करें, ये बहुत सारे बच्चों का सवाल है। तो प्रैक्टिस के लिए आप सिर्फ और सिर्फ शिवदास का 10 ईयर उठा लो, और उस 10 ईयर में से जो जो यूनिट मैंने पढ़ा दिया है, पहले मेरी वीडियो देख लो और क्वेश्चन सिर्फ आप उसी में से ही कर लो शिवदास के 10 ईयर में से, पेपर में उससे बाहर कुछ भी नहीं आपका देखने को आपको मिलेगा। तो ये आपको मैं गाइड करूंगा कि आप प्रैक्टिस बिजनेस स्टैटिक्स का कहां से करें और कितनी करें। तो लिमिटेड प्रैक्टिस होगी लेकिन बहुत ही इफेक्टिव होगी, एग्जाम पूरा आपका 100% अटेम्प्ट होगा।